चुनाव तो गठबंधन तो आने वाले समय भी जीतेगा, अब तो जीता जीता है, इससे लोग त्रस्त हैं। सबसे बड़ा जो नुकसान है जी बिजारों का, आप देख लो, अगर गेहूँ बोगे तो यहाँ तो रोटी खाने का भी ढंग नहीं। आपका जी 24 में गठबंधन के साथ रह गए, खुल के रह गए? हम तो भैया, हमारा तो सारा क्षेत्र जो है फिलहाल गठबंधन की ओर जा रहा सब। बहुत ओली तुम्हारी ताना सही, उसे देंगे जो बढ़िया काम करेगा। मदन भैया का हमारे खुर चुटेगा। बहुत बढ़िया चुनाव है भैया, और आगे को मदन भैया यहाँ होगा। भाजपा का सफाया होने वाला जा रहा है 24 में। खबर जो है इनके संजीव बाल्यान ने जरूर पहुँचाई जावे कि रोड नहीं तो वोट नहीं। भाजपा ने कुछ काम ही नहीं करा तो क्या करा। मैं चुनाव का ऐसा मामला जी गठबंधन बना रहेगा तो 2024 तक बोलिए, 2024 का ही चुनाव हुआ जो कुछ हुआ। चुनाव सबसे ज्यादा चुनाव उसका मतलब खतौली विधानसभा के गुजर बाहुल्य गाँव चांद समंद में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान की सांसदी कई कारणों से खतरे में है। ग्रामीणों का मत है कि यदि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान को लोकसभा के चुनाव में उतारती है तो पूर्व विधायक विक्रम सैनी के जैसा ही बीजेपी का हाल लोकसभा चुनाव में भी होगा। गौरतलब है कि खतौली उपचुनाव को संजीव बालियान ने लोकसभा 2024 का सेमीफाइनल बताते हुए कहा कि ये चुनाव विक्रम सैनी नहीं यानी संजीव बालियान लड़ रहे थे। केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान की इस बात का जवाब खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता ने गठबंधन को बहुमत देकर बखूबी दिया है। वहीं क्षेत्रीय जनता में मंत्री संजीव बालियान की वादा खिलाफी को लेकर रोष है। खतौली में उपचुनाव हुआ है, किस तरह देखते हैं इस उपचुनाव को, कितना महत्वपूर्ण था ये? बहुत बेहतरीन हुआ है जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन हुआ है इसका। 2024 में कितना प्रभाव ये चुनाव डालेंगे जी? अब हमारे तो एक समस्या है जी, जो है कि आप ये जो हमारे मदन भैया जीते हैं, हमारी एक वो समस्या हल कर दे, जो खेतों में बिजार फिरते हैं ना जी सरकारी सांड, इनका इंतजाम करवा दे हमें, और इनसे कुछ नहीं चाहता। धन्यवाद जी। अब अगले बीजेपी बिल्कुल सरकार बेकार है सर, बीजेपी की सरकार बेकार है। जो होया है हमारे यहाँ से नलका संगठन भाई, ये आने वाले 24 के चुनाव में अब के भी धूमधाम ऐसे ही रहेगी इसकी। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? हाँ जी बिल्कुल रहेगा। हाँ पर ये हमारे तो समस्या बस यही है जी, बिजार जो है ना बिजार, और बिजली का 12 में मीटर लग चुके हैं जी, 12 में मीटर ना लगने की वजह से बहुत पेमेंट बिल्कुल नहीं मिल रहा, मजदूरों की मजदूरी नहीं है। क्या गठबंधन 24 तक कायम रह पाएगा? रह पाएगा सर। क्या हम किस तरह देखते हैं 24 के चुनाव को? 24 के चुनाव आने वाले में यही जो धूमधाम का आपका खतौली में रहा है वही उसमें रहेगा 24 में। खतौली उपचुनाव हुआ है, गठबंधन की जीत हुई है, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं? चुनाव तो गठबंधन तो आने वाले समय भी जीतेगा, अब तो जीता जीता है, इससे लोग त्रस्त हैं। इस भाजपा सरकार ने जो है ये हालत कर दी, करने का पेमेंट नहीं कर पा रहे, और पशु छोटा पशु घूम रहे हैं, और तुम्हारा क्या नाम हमारा जो गेहूं का रेट आज क्या हालत कर दी, गन्ने की सीजन है पर्ची नहीं आ पा रही, तो वो तो कैसा इसे छुटा पाए, बड़ी समस्या है। अब इस समस्या को देखते हुए इस वजह से जो है गठबंधन को आने वाले समय में भी अभी थर्ड फ्रंट ना बनकर एक मेन फ्रंट बनना जा रहा है, नीतीश कुमार ने आह्वान कर दिया, अब मेन फ्रंट बनते ही जैसे कि एक बार आपने देखा होगा कि जनता दल का चक्र बना था, इंदिरा जी की बड़ी पावर थी, लेकिन एक चक्र बना, चक्र बनते ही सब फेल हो गए, अरे वो चुनाव जीत गए। इसी तरह का मेन फ्रंट बनना आपका, इसको हराना है, अगर मोदी को हराना है तो देश को बचाना है तो इसे एक मेन फ्रंट बनाना आपका। अच्छा, जैसे खतौली उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा था लोकसभा का, तो इस चुनाव में बीजेपी की हार हुई है, तो कितना प्रभाव उपचुनाव का पड़ेगा इसमें लोकसभा में? 80% या 90% बनना है, और हमारा तो क्षेत्र ही ऐसा है कि इसमें मुजफ्फरनगर में 6 लोक विधानसभा हैं, केवल एक शहर की रीजन पे मेरठ, इसमें मुजफ्फरनगर सदर की 5 खत्म होली, पुरकाजी खत्म होली, खतौली खत्म होली, सरधना खत्म होली, मीरापुर खत्म होली, इन पर ही क्या गया, और आने वाले समय में तो हम तो बिल्कुल सफाए कर देंगे इसका। अच्छा, क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 24 के चुनाव? बिल्कुल बिल्कुल पक्का, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, गठबंधन तो और मजबूत होगा। अच्छा, गुज्जर समाज बहुल क्षेत्र है ये, मदन भैया को काफ़ी सपोर्ट किया गया, तो किस तरह अगले चुनाव को देखते हैं? नहीं, हम तो मदन भैया होते या कोई और भी जाति का होता, ये गठबंधन को सपोर्ट करते, इन्होंने एक परिवारवाद बना दिया, पहले विक्रम सैनी को दे दिया पर्चा, फिर क्या ना फिर दोबारा विक्रम को दे दिया, फिर उसी घरवाली को राजकुमारी को दे दिया, परिवार तो इन्होंने चलाया परिवार,
अब हमारी तरफ से तो किसी जाट का होता, किसी और जाति का भी होता, ठाकुर का होता, हम तो उसे भी देते गठबंधन को जिताना हम तो भाजपा के खिलाफ। इस तरह हम तो नहीं चाहे जी कोई सुधार करे भाजपा यहाँ तो ठीक है, नहीं तो हमारे तो सब यहाँ जो एरिया भी है वो भी इसी पे जाएगा। जय चौधरी भाई 24 के चुनाव में। हाँ जी देख लियो। अच्छा किस तरह चुनाव को देखते हैं, 24 का चुनाव हुआ है इस तरह कितना प्रभाव पड़ेगा 24 के चुनाव पे, उपचुनाव का? देखो जी जैसे आपका पड़ा है जी, जब आने वाले टाइम में पड़ेगा। अच्छा मदन भैया खतौली आ रहे थे, उन्हें पुलिस ने रोक दिया, खतौली में नहीं आने दिया कुछ दिन। चलो गलत करा हो तो उस पर इन पर अब नहीं आओगा, यक्का वो तो जीत ही गया, आना तो उसे पड़ेगा ही जरूर, जनता के बीच में तो आओगा वो। ऐसे भी खिलाफ क्यों रोका? हाँ क्यों रोका गया, पर आओगा जरूर वो, कहाँ रोक थोड़ी रहा आओ किसी से, वो तो चलो अपना जो है चला गया एकदम से। हाँ चला गया, सरकार है उनकी, कुछ भी कर सके वे। बिजार आप जैसे आपको रास्ते में मिले भी होंगे दो चार जगह, अब आप खतौली को ऐसे निकलोगे तो देखियो रास्ते में आप आए होंगे तो आपने देखा भी होगा। कितना प्रभाव 2024 के चुनाव पे पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा जी, अगर इन्होंने बिजारों का संशोधन करा और जैसे सुधार करा बिजली बिजली पे जो मीटर लग रहा बताओ 12 पे, किसान के हित की सरकार नहीं है जी। 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ जी रहेगा बिल्कुल, और अगर इन्होंने भाजपा वालों ने अपना सुधार करा तो नहीं बैठना गया, किसानों के लिए अच्छा काम करेंगे तो किसान हमें क्या चाहिए जी, अपना गन्ने का भाव चाहिए, इसने हमारा गन्ने का भाव आज तक उठाया इस सरकार ने तो बताओ। और ये बिजार ये इतने हो रहे, ये तो जिसका तारबंदी है तो किसानों के हित की पार्टी माने जाते हैं रालोद, 2000 गठबंधन में है। हाँ जी उपचुनाव जीतने के बाद गठबंधन का वजूद कहीं ना कहीं बढ़ा है। हाँ जी 2024 के चुनाव में कायम रह पाएगा वजूद? चुनाव में कायम रहेगा जी बिल्कुल, और इन्होंने अगर सुधार करा अपना हमारे यहाँ से जो है ये बिजार औजारों की व्यवस्था कहीं पकड़वा गौशाला में कहीं भिजवाए, पकड़ने वाली टीम आई, कागजों में पूर्ति हो जानों को आई थी टीम थारे यहाँ पकड़ने, हमारे यहाँ तो आज तक कोई आया नहीं ना हमारा पशु पकड़ने। 24 तक गठबंधन कायम रहेगा? हाँ कायम रहेगा जी बिल्कुल रहेगा जी, और क्या करें हमें सर्विस मैन, हम नहीं हम तो किसान आदमी, हमें तो अपने खेत से मतलब है। खतौली में उपचुनाव है, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं आप? आपका जी 24 में गठबंधन के साथ रह गए, खुल के रह गए। अच्छा क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 2024 के चुनाव? क्यों नहीं रह पाएगा जी, रह पाएगा। माना जा रहा है कि एक सीट का चुनाव था तो गठबंधन रहा, आगे चंद्रशेखर आजाद भी अपने लिए सीटें मांगेंगे, समाजवादी पार्टी भी है गठबंधन, आरएलडी भी है गठबंधन में, सब किस तरह समझौता या हो पाएगा या बिखर जाएगा गठबंधन? नहीं जी गठबंधन नहीं बिखरेगा, गठबंधन रहेगा। अच्छा कितना प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव जीतने का खतौली विधानसभा? बब गए बीजेपी साफ हो जाएगी इससे 24 में। अच्छा ऐसा क्यों लगता है, बीजेपी ने बड़े बड़े विकास के दावे करते हैं बीजेपी? अजी बीजेपी बोल रहे कुछ है करे कुछ है, बीजेपी ने सारे चीज़ प्राइवेट कर दी और यहाँ ये यो बिजार ये फिर रहे, ये किसानों के गेहूँ नहीं होने रहे, इतने बड़े हुए हैं सारे खा जा कहने गौशाला खोल रखी, कुछ नहीं कर पा रहे, और जो है रोजगार नहीं है, महंगाई ज़्यादा आ रही है, इतना गन्ने का रेट नहीं बढ़ा पा रहे, इतने महंगाई ज़्यादा आ जा, और जो है किसान तो परेशान। अच्छा जैसे मदन भैया आ रहे थे खतौली में नहीं आने दिया गया, उस प्रकरण को किस तरह? इस पे तो जी डॉक्टर संजय वालियान है, इसने नहीं आने दिया, राजनों ने भी नहीं आरोप लगाया नेता पे, किस तरह आप देखते हैं? क्या बीजेपी को अप्लाई हुई है उपचुनाव हारने के बाद? नहीं अप्लाई हुई। 2024 का चुनाव है लोकसभा, कितना प्रभाव पड़ेगा उपचुनाव खतौली का? बहुत ज़्यादा पड़ेगा जी। किस तरह देखते हैं 24 के चुनाव को? हम तो भैया हमारा तो सारा क्षेत्र जो है फिलहाल गठबंधन की ओर जा रहा सब, और रही बात बालियान जी की, इन्होंने कई बार रोड को अपनों को पास करा दिया और वो करा दिया, आज तक कुछ हुआ नहीं, तो इसलिए ना कोई युवाओं को रोजगार है कुछ नहीं है, हम तो भैया गठबंधन के साथ है खुल के। प्रभाव पड़ेगा इस बार? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। क्या गठबंधन कायम रहता है 24 तक? गठबंधन की सरकार भी आओगी, सारे काम होंगे।
और बालियान जी भी खत्म ही मरने का सारने वाले हैं 24 में। अगर प्रत्याशी बदलती है तो क्या बीजेपी की तरफ रुख होगा? नहीं जी, बीजेपी के ने कौन सा काम करा है जो नौकरी जी, ये भी अग्निवीर कर दी 4-4 साल की, इसमें क्या करेंगे युवा? जैसे ये उपचुनाव हुआ है इसमें किस वजह से बीजेपी को वोट नहीं गई, बीजेपी के काम पे या विधायक के व्यवहार? विधायक भी है, बीजेपी भी है, जब कुछ काम नहीं हो रहा है। विधायक तो आज तक हमारे गाँव में आगे ही नहीं पड़ता, या कुछ काम करा है, एक टुकड़ा देकर नुकमन ने 1000 काम करा दिए, चांस में हुआ कुछ नहीं। बताओ क्या करा? बिजली का मीटर भी लग गया। हाँ, 2024 का चुनाव आने वाला है, किस हाँ? तरह देख रहे हो चुनाव? मदन भैया उसे देंगे जो बढ़िया काम करेगा, मदन भैया का हमारे खुर चुटेगा। अच्छा, जैसे उपचुनाव हुआ है इसमें गठबंधन की जीत हुई है, 2024 के चुनाव पे कितना प्रभाव पड़ेगा लोकसभा? अरे जब बढ़िया काम करेगा तभी तो देंगे हम वोट, वैसे थोड़ी दे देंगे। सड़क बढ़ाओ, औरतों को पैसे दो, हमारा बिजली का बिल माफ करो। भाई रोहन भाई, खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह इस उपचुनाव को देखते हैं, कितना महत्वपूर्ण उपचुनाव हुआ है? बहुत बढ़िया चुनाव हुआ है भैया, और आगे को मदन भैया ही आओगा। अच्छा, जैसे 2024 का चुनाव है, जैसे सेमीफाइनल माना जा रहा था, कितना प्रभाव चुनाव पे पड़ेगा लोकसभा के? भाई कितना बताओ यार, आगे को भी ऐसी होगा जी, और आगे भी मदन भैया होगा। सन 2027 में जब चुनाव होगा अखिलेश की सरकार आएगी। अरे मदन भैया भी तो जब ही करेगा, मदन कायम रह पाएगा 24 तक? रह पाएगा जी, इसमें 24 के चुनाव। हाँ जी। अच्छा, किन मुद्दों को लेकर 24 का चुनाव होएगा, क्या मानते हैं आप, आपके क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो बस 2024 में लोकसभा चुनाव है जी, किस तरह के प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेंगे? प्रभाव 24 में तो भैया भाजपा का सपाया होने वाला जा रहा है 24 में। वो कारण है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिला, हर चीज़ तो इन्होंने प्राइवेट कर दी। बताओ युवा क्या करेंगे प्राइवेट इसमें? बिजलियों पे ओरियो मीटर लगा दिए इन्होंने, बिल किसान की सबसे बड़ा मुद्दा तो किसान का है, जब किसान के पास कुछ नहीं रहने का तो बताओ सरकार क्या करेगी? अच्छा, जैसे उपचुनाव में गठबंधन प्रत्याशी जीत रहा है तो इसका कितना फायदा संजीव बालियान ने करा है इस मारो, संजीव बालियान का बहुत तकड़ा विरोध है इस क्षेत्र में पूरे में। बीजेपी इस तरह बौखलाई हुई नजर आ रही है, बौखलाई कारण इन बताओ तुम, मदन भैया को जब आने वाले इसमें खुतली में रोक लिया, ये बौखलाहट का ही तो है जो खुतली में नहीं आए, पर एक विधायक अपने क्षेत्र में नहीं आने का और कहाँ आएगा बताओ तुम, अपनी जनता के बीच में नहीं आने का। खतौली के उपचुनाव में किस तरह मदन भैया का जी, जैसे गठबंधन प्रत्याशी की जीत हुई है, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, इसमें सबका प्रभाव उपचुनाव का पड़ेगा लोकसभा पर? तकड़ा पड़ेगा जी। किन मुद्दों को लेकर चुनाव होगा? बस सब भैया पता नहीं चुनाव पर मुद्दे कौन से उठेंगे कौन से नहीं, क्या आप तो लगा ही बहुत मुद्दे, तब एक थोड़ा ही है। अच्छा, ये बिजार भिराई ने पकड़ो पहले तो, जैसे चौधरी रालोद को छोड़ के बीजेपी में गए हैं, हाँ जी, कितना प्रभाव उनका बीजेपी पे पड़ा है वोट बैंक का? बहुत पड़ रहा है, काफ़ी पड़ा। अगर रालोद में होते अभिषेक चौधरी तो कितने वोटों से जीत होती? बढ़िया जीता ही वो, है जी, बढ़िया जीता, और भी बढ़िया है, हाँ ज़्यादा वोटों जीता। अच्छा, ग्राम चांद सुमन भैया, हमारा भी यही मुद्दा, हमारे क्या हमारे तो बताओ, इतना पिछड़ा हमारा क्षेत्र हो गया, एक रोड का मुद्दा हमारा, क्या रोड कितनी ग्रस्त रोड होगी देख तुम्हें, गड्ढे रोड, क्या गड्ढे गड्ढे हैं भैया हमारे, तो सुविधा कुछ नहीं है, कुछ सवारी सुविधा नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पाते बताओ। तो भैया हमारा तो यही मुद्दा है, हमारा रोड बन जाए, और नहीं बने तो आपको इनका तमीज सिखाते हैं 24 में। 24 में कितना प्रभाव रहेगा? प्रभाव बहुत रहेगा जी, हमारे सुनते तो ऐसा ही हारते क्यों, हारने कारण तो यही है, इन्होंने हमारी सुनी ही नहीं, हमारा क्षेत्र हमारा पूरा क्षेत्र बैठ गुजर होगी, हमारा कोई तरफ ध्यान ही नहीं इसका, बीजेपी का
हमारे तो अब तो ये तो परिवारवादी वाली। चुनाव का कितना प्रभाव 2024 के चुनाव पर पड़ेगा भाई? प्रभाव पड़ेगा, काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, फिर से वही गठबंधन की तरफ रुख होगा। अगर ये हमारा कोई विकास नहीं करते तो हम फिर दोबारा से गठबंधन से हट जाएंगे। गठबंधन कायम रह पाएगा 24 के? बिल्कुल रह पाएगा जी, बिल्कुल। उससे पहले नगर निकाय के चुनाव भी हो चाहिए जी। अब तो जीतता चला जाएगा। अब तो इनका इन्होंने तो एक नाम की वजह से इनको नाम हो रहा है, एक मोदी का सिर्फ नाम का फायदा उठा रहे, काम कुछ नहीं कर रहे इनके, ना विधायक का ना कोई ये सांसद। जो विधायक को वोट नहीं दी गई जी, जी जी, क्या उनके नाम पे नहीं दी गई या बीजेपी के काम पे नहीं दी गई? भैया कुछ काम तो है ही नहीं है नाम क्या, कुछ तो उनके बात करने का तरीका ऐसा था विक्रम सैनी जी का, किसी को कुछ मानते नहीं थे। हमारे गांव में तो आगे कह देती कि कहाँ के चांद समझ के चांद समझ, तो मैं पैर करके भाई छोड़ने का, कभी हमारे साथ वोट मांगे, हम तो बिन मांगे वोट दी उन्हें। हमारे वीरेंद्र मंत्री जी आए हैं, चंदन चौहान जी आए, हमने उन्हें नहीं वोट दी, वोट इसको दी, बिन देखो हमारे कोई वोट मांगने नहीं आया और हमने तब भी वोट दी। हमारे बड़ों ने कहा कि वोट नहीं, वोट भाई इन अपनों को दो, नहीं हमने किसी की नहीं मानी, सब युवा का साथ था कि भाई मोदी मोदी, लेकिन हमारा काम तो नहीं किया भाई कुछ भी। तो इस बार भाई हाँ बदलाव चाहते हैं बिल्कुल, धन्यवाद। अच्छा, जैसे जाट नेता के रूप में उभरा है संजीव बालियान, बड़े नेता माने जाते हैं जाट समाज जी, तो क्या उनका प्रभाव रह पाएगा? नहीं रह पाएगा जी, जैन चौधरी जी का चलेगा। वाह मीडिया साहब, हम तो भाई आप लोगों से एक विनती करते हैं कि हमारी खबर जो है इनके संजीव बालियान ने जरूर पहुंचाई जावे, कि रोड नहीं तो वोट नहीं। खतौली से चांदसमंद फड़ाव देख लिए 13.5 किलोमीटर का टुकड़ा है, कम से कम 20 बार मिली पूरे क्षेत्र के प्रधान मिलिए, लेकिन आज तक कभी हमारी सड़क के बारे में नहीं सोचा। अगर सड़क नहीं बनती है तो किसी कीमत पर पूरे क्षेत्र की एक महापंचायत करेंगे और महागठबंधन को सफल बनाने की पूरी पूरी तैयारी करी जाए। अच्छा, उपचुनाव में भी यही मुद्दा था हमारा और आगे भी यही मुद्दा रहेगा, और इसके तो बिल्कुल खिलाफ रहेंगे संजीव बालियान के, तुम इसी मुद्दे पर खास तो झूठे वादे, पूरा क्षेत्र अतरपुरा शाहपुर फिमपुर मोचड़ी चांदसमंद कड़ली जसोड़ा सिकंदरपुर नंगली पूरी सरधना बेल्ट को भी लेके चलेंगे इस मामले के खिलाफ। कोई आवागमन का साधन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, बच्चे परेशान हैं हमारे, जिधर से चले 50 मीटर सड़क नहीं बनवा सके उस पर खड़ंजे हमारे, अगर सकोती साहब है तो 50 मीटर, नंगली साहब है तो 50 मीटर, फड़ावदे साहब है तो 5 किलोमीटर, खतौली साहब है 2-10 किलोमीटर, बताओ कहाँ साहब है? हमारे तो सच्ची बुझो आने वाले समय में बालकों की शादी होने भी बंद होगी, इस संजीव बालियान ने ऐसा बेटा गर्क कर दिया, हमारे तो बालक कुंवारे फिर रहे। तो हम तो भाई साहब आपसे कह रहे हैं कि हमारी खबर जो है संजीव बालियान तक। हेम सिंह खतौली, खतौली उपचुनाव हुआ है, हाँ। किस तरह इस चुनाव को देखते हैं, कितना प्रभाव लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? भाजपा ने कुछ काम ही नहीं करा तो क्या करा है? जब भाजपा बड़े बड़े दावे करते हैं, झूठ बोल रहे हैं, झूठ पीछे मीटर रोड लगा दिए, बालक बेच फिर रहे, नौकरी नहीं किसी को। खतौली के उपचुनाव का कितना प्रभाव 24 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा? बहुत पड़ेगा। किन मुद्दों पे वोट दी जाएगी 24 में? हमारे बालक बेची फिर रहे, नौकरी नहीं, मुझे फर्क भरती इस पर इन वे लौट और बजा वहाँ इन बालियान ने बजवाया, वो फर्क नहीं पड़े। 2024 का गठबंधन कायम रह पाएगा? हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा। हाँ कितना वोट बैंक बन पाएगा गठबंधन का? गठबंधन बढ़ेगा, हम भी बता रहे बढ़ेगा। क्यों जी चुनाव का तो ऐसा मामला जी गठबंधन बना रहेगा तो 2024 तक बोलिए 2024 का ही चुनाव हुआ जो कुछ भी हुआ बिल्कुल। अच्छा, सेमीफाइनल बताया जा रहा था 24? हाँ जी हाँ बिल्कुल। कितना क्या मानता है 24 में गठबंधन रहेगा जी? गठबंधन से ही सरकार चलेगी आगे चल के चलेगी, तो नहीं तो किले किले पर तोड़ के भाजपा राय लेता रहोगी ना, यह है बहुत सारी। अच्छा, गठबंधन तो कायम रहेगा जी 2024 में बिल्कुल। अच्छा, जैन चौधरी यहाँ से जीता है, 8 विधायक थे उनके, अब 9 हो गए हैं। हाँ जी हाँ। कितना प्रभाव 24 के चुनाव में लोकसभा में डाल पाएंगे पश्चिम? वो तो देखो जी आने वाला समय ही बता होगा बचा कितना बड़ा है, जब ऐसी ऐसी सीटें निकल गई भाजपा से हार गई माँ बोले तो 2024 में तो सीट और भी बढ़ेगी जिसकी रादौल की, तो बढ़नी जरूरी है बिल्कुल। भाजपा ने किसान के हित के लिए कोई भी काम नहीं करा जी, किसानों के हित की पार्टी मान जाते हैं। हाँ जी, किसान नेता हैं जी जैन चौधरी, ऐसी बात नहीं बिल्कुल पहले से। चौधरी चरण सिंह भी किसानों के, प्रभाव पड़ेगा जी बहुत ज्यादा जी बिल्कुल।
2024 में बहुत प्रभाव पड़ेगा जी। अच्छा, अभिषेक चौधरी रालो छोड़ के गठबंधन, उसमें गए बीजेपी में, क्या उनका कितना प्रभाव यहाँ उपचुनाव पर रहा? उसका तो प्रभाव आपने देख लिया जी, प्रभाव देख लिया, प्रभाव तो कुछ भी नहीं पड़ा उनके चलने से, कोई फर्क नहीं पड़ा, देखा पड़ा तो है उसकी वजह से, अगर बोला जाता है जीता भैया जी, मतलब भैया जी अभिषेक की वजह से वोट कम मिली, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत फर्क पड़ा जी, यानी तो थोड़ी बहुत नहीं बहुत फर्क पड़ गया, नहीं तो 50,000 वोट जीता कटे कुछ वोट उसके हिसाब से जी। मुझे भी वहाँ से खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह इस चुनाव को देखते हैं आप? चुनाव सबसे ज़्यादा चुनाव उसका मतलब भी जगह हमारे यहाँ, 2024 के चुनाव पर कितना प्रभाव उपचुनाव का पड़ेगा? प्रभाव तो नहीं पड़ रहा, गठबंधन ही काम ऐसे कर रही है, कभी तो मीटर लगवा दे, कभी वो करवा दे, भैया हम बताओ तो सब खिलाफ से पड़ रहे हैं, उनका खेती बर्बाद हो रही, यही कारण है भैया जी, इसी वजह से नंबर आओ, इसी वजह से लोग खिलाफ हो गए भाजपा के, इस बंदर मुझे वोट दी। हाँ जी, क्या 2024 तक गठबंधन कायम रह पाएगा? बिल्कुल रह पाओगा, इस हिसाब से देखा जाता, अगर जो काम सुधार नहीं हुआ तो रह पाओगा, और सुधार कर दिया तो बदलाव भी आ सके। पश्चिम में उपचुनाव जीतने के बाद जयंत चौधरी का कद बढ़ा है, कितना सही मानते हैं? जयंत चौधरी का कद बढ़ा है राजनीति के हिसाब से, कितना सही मानते हैं उसका? भाई बढ़ा तो इसका है ही, सब जट्टों ने से मिला के इसी की वजह से वोट मिली जयंत चौधरी की वजह से, जो जट्टों ने वोट जो चुनाव करा इसी की वजह से करा जयंत चौधरी की वजह से। अच्छा, जयंत चौधरी भी है लेकिन जाटों के नेता संजीव बालियान ने जो चुनाव संजीव बालियान हमारे यहाँ नीले जी नीलू है जिसने, उसने हमारे यहाँ कोई काम नहीं करवा, आज तक कोई सड़क नहीं, कोई मतलब नहीं, बालियान ने तो कोई काम ही नहीं दिया हमारे लिए, इसी वजह से जो मदन भैया बनवाने जो काम करता रहे बालियान जी है जी, चांद समझ जो कोई सड़क नहीं दी, कोई खड़न जान दिया, कोई दो पैसे आज तक नहीं लगवाए हमारे बालियान ने, तो आज तक भी एक सड़क आ रही थी उसे भी काट कर वहाँ ले गया मुझे अपने उसमें ले गए थे काट कर, तो इसी वजह खिलाफ हुई जनता। मदन भैया खतौली आ रहे थे उन्हें रोक देगा, पूरे प्रकरण को किस तरह देखते मदन भैया को? तो सिर्फ देखा उक्का भी नहीं, सिर्फ योदी भाई इसे हराना, बालियान को कुछ भी करे चाहे किसी भी करे, सब मदन भैया बढ़ा के बढ़े, नहीं मदन भैया ने कौन सा हमारे काम करवाया कुछ? मदन भैया तो बीजेपी विक्रम की वजह से कुछ कैंडिडेट इतना बढ़िया चुन रखा था, विक्रम ने भी कुछ काम नहीं कराया है, विक्रम की कैंडिडेट अगर कोई और होता तो शायद भाजपा का नंबर आ भी सकता, कैंडिडेट की वजह से तो भैया यहाँ तो बिल्कुल ही सब नहीं रुके, मदन भैया बढ़े सब बढ़ा के। खतौली में उपचुनाव हुआ है, किस तरह का उपचुनाव हुआ है, क्या मानते हैं उपचुनाव? चुनाव सही हुआ जी, गठबंधन किसान के हित में है, गठबंधन की जीत हुई है, गठबंधन की जीत की हार हुई है, बीजेपी की हार। चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा था, कितना प्रभाव उपचुनाव का लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा? इसका पूरा पड़ेगा जी, यहाँ से शुरुआत है। अच्छा, हाँ जी शुरुआत है, 24 में भी चुनाव, 24 में भी इसी पे जाना जी, गठबंधन पे जाना। क्या गठबंधन कायम तक चलेगा जी? चलेगा जैन चौधरी के कहने से। खतौली उपचुनाव हुआ है, किस तरह इस उपचुनाव को देखता? उपचुनाव को हम इस प्रकार देख रहे हैं भाई, यहाँ भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं हुई है खतौली विधानसभा, यहाँ विक्रम सैनी की हार हुई है, उसके जो अपने कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उनके साथ कुछ व्यवहार करा, कुछ बदतमीजियाँ करी उसने, उस समाज के लिए ये प्रत्याशी की हार है, भारतीय जनता पार्टी की हार नहीं है खतौली विधानसभा। 2024 के चुनाव पर क्या गठबंधन कायम? कांटे का टक्कर चुनाव होगा? नहीं, ऐसा कैसे हो सके, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता फिर दोबारा खड़े होंगे खतौली विधानसभा पर? नहीं, गठबंधन कायम रह पाएगा क्या? नहीं नहीं, गठबंधन का तो देखो अभी समय है, 2 साल है, पार्टी मेहनत करेगी, पार्टी कार्यकर्ता मेहनत करेंगे, ऊपर का दिशा निर्देश होगा। क्या प्रभाव पड़ेगा कुछ विधानसभा पर, विधानसभा उपचुनाव का लोकसभा पर? नहीं, थोड़ा बहुत तो पड़ेगा ही, जब कोई कई बिरादरी एक साथ हो रही हैं और फिर उनको जो कुछ पार्टी ने कुछ नहीं वो नहीं दिया, अगर पार्टी गुजर समाज कुछ थोड़ा बहुत आगे बढ़ाती तो हो सके पार्टी बीजेपी के साथ में थे, पहले 1900 वोट दिए संजीव बालियान को, दोबारा विक्रम सैनी को 1850 वोट दिए। जो गुजर बहुल गांव है ये, हाँ। अभिषेक चौधरी बीजेपी में गए रालो छोड़ के, कितना प्रभाव उनका बीजेपी में जाता? नहीं, प्रभाव तो पड़ा पर इतना नहीं पड़ पाया जितना सोच रहे थे, जितना अभिषेक चौधरी सोच रहे थे, क्योंकि पार्टी में एकदम बदलाव गया, पलट के गया लोकदल, राष्ट्रीय लोकदल से वो अपनी जगह सही लग रहा था, पर लेकिन वो गया तो ठीक है, वेलकम हुआ, पार्टी ने उनको सम्मान भी दिया, चुनाव तो हार ही गए।
बीजेपी वाले चुनाव है। अच्छा, जैसे मदन भैया आ रहे थे खतौली, उन्हें रोक देगा, उस प्रकरण को किस तरह देखता है? देखो, इसकी तो ये जानकारी पर भी पहले तो अभी हल्के हल्के क्षेत्र में पहुंच रही है, पर जो रोका विधायक तो चुना ही गया खतौली विधानसभा से। ठीक है, गलत नहीं, ठीक है गलत तो अभी देखो, वो तो प्रशासन है, किस वजह से रोका गया, क्यों रोका गया, वो तो प्रशासन जानता है इस बात को। तो भाई यही है बस, अब तो जाए थोड़ा सा जो लोगों का कहना है कि बिजार बिजार जाए, इनकी थोड़ी व्यवस्था कर दी जाए, व्यवस्था करो तो हमारी वो बात। और वोट तो नगर निकाय चुनाव भी है, कहीं ना कहीं बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है क्या? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने पहले बताया खतौली विधानसभा पर विक्रम सिंह की हार हुई है, पार्टी की हार नहीं हुई है। जैसे खतौली का उपचुनाव हुआ, कितने महत्वपूर्ण चुनाव, क्या देखते हैं चुनाव में? उसमें मुद्दा रहा है एक तो बिजारों का, आवारा पशुओं का। अच्छा जी, कैंडिडेट की जो भाषा शैली थी वो खराब थी, पार्टी सही है, पार्टी सही है। हाँ, अच्छा, उपचुनाव के बाद खतौली लोकसभा का 2024 चुनाव आ रहा है, कितना महत्वपूर्ण चुनाव है, क्या देखते हैं इस चुनाव को? उसमें अगर बीजेपी ने काम सही करे, आवारा पशुओं से जो है छुटकारा दिलाया, अच्छा जी, और जो जो है जो जंगल में जो नलकूपों पे जो मीटर लग रहे हैं इन्हें हटाया गया, तो जो है 2024 में फिर वापसी हो जाएगी, नहीं तो कैड़ा है मामला। अच्छा, क्या गठबंधन कायम रह पाएगा 24 तक? हाँ, पश्चिम में तो रहेगा, रहेगा पश्चिम में। जयंत का कद बड़ा है राजनीति। हाँ, बड़ा है। क्या कितना फायदा 24 के चुनाव में मिलेगा? 24 के चुनाव में भी काफी फायदा जाएगा। खतौली उपचुनाव में गठबंधन की जीत हुई है, किस तरह का उपचुनाव था? सर्वप्रथम पहले तो जो चुनाव था बीजेपी को और गठबंधन का चुनाव था, तीन पार्टी एक साथ मिलकर लड़ रही थी, और जो वोटर था यहाँ का पश्चिमी का उत्तर प्रदेश का जिला मुजफ्फरनगर का वोटर जो है वो खुद अपने आप समझदार है। हमारे क्षेत्र को विकास के लेके भाई विकास कार्यों में कोई वृद्धि नहीं थी, तो इसलिए विकास चाहता है हमारा क्षेत्र, तो इसलिए गठबंधन को एक का कैंडिडेट जीतता। अच्छा, जैसे 24 का चुनाव है, सेमीफाइनल माना जाना था, हाँ, तो कितना प्रभाव 24 के चुनाव पे पड़ेगा इस उपचुनाव का? 24 के चुनाव में अगर बीजेपी थोड़ा भाई मतलब उसको कार्य को लेकर काम करेगी, विकास का कार्य में काम करेगी तो उम्मीद है, नहीं तो थोड़ा सा नहीं तो बीजेपी। क्या गठबंधन 2024 तक कायम रह पाएगा? गठबंधन 2024 तक यहाँ कामयाब रहेगा। खतौली उपचुनाव हुआ है, इस चुनाव में तो जी कैंडिडेट गलत रहा, अन्य तो यहाँ तो भाजपा का ही कैंडिडेट जीतता। हाँ जी। अच्छा, ये इस चुनाव को लोकसभा 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था, इसमें जी कल्याण ने भी कहा, बीजेपी के हर नेता ने यही बात कही, उसके बावजूद बीजेपी हारी है, तो कितना फर्क पड़ेगा इस चुनाव? इसमें जी अजी कैंडिडेट अगर सही आया तो भाजपा जीतेगी। किसमें? 24 में कैंडिडेट तो सांसद का चेहरा है संजीव वालिया ने, सर देखो जी वो तो हारेगा जी अगर आता है। हाँ जी, वो तो हारेगा। अच्छा, जाट नेता के रूप में बड़ी पहचान उन्हें मिली है, कितना कद उनका बढ़ा है जाट नेता के रूप में? देखो जी क्या होता है, वैसे भाजपा का ही बोलबाला रहेगा, बोलबाला भाजपा का ही है जी। मोदी और योगी के नाम पर वोट दी जाएगी इस बार तो बदल दिया, लेकिन इस बार विचार शांत रहो, बोल रहा है शांत रहो, हमारे यहाँ मतलब बिजली का बिल और मीटर लग रहे हैं 12 में, वे गलत लग रहे हैं। अच्छा, उपचुनाव में बीजेपी हारी है तो जयंत चौधरी के 9 विधायक हो गया, कितना प्रभाव डाल पाएंगे ये 8 विधायक? नहीं गैर पाने के लिए, नहीं गैर पाने के लिए प्रभाव नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा बीजेपी की ही, बीजेपी की। हाँ जी।